ठीक है ठीक है ठीक है। तो टाटा स्टील पर तो हमने बात कर ही ली है, आप उसको रिविजिट कर सकते हैं। विप्रो पर सवाल ले लेते हैं आपका, 500 शेयर 450 पे लिया। विवेक, नतीजे ज्यादा ज्यादा अच्छे नहीं आए थे। हाल फिलहाल में हमने देखा कि विप्रो में नतीजों के बाद थोड़ा दबाव भी देखने को मिला, बट ये जो लेवल्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, इन्हें एवरेज कर लेना चाहिए क्या? हाँ पूजा, देखिए नतीजे अच्छे नहीं आए, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि नतीजे इतने खराब भी नहीं थे जितना मार्केट ने इसको पनिश किया है। और ये बैकग्राउंड, मतलब आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझना होगा कि आईटी इंडस्ट्री आज कई दिक्कतों से गुजर रहा है और बहुत बड़ा करेक्शन इन स्टॉक्स में हो चुका है। तो विप्रो आज अगर वैल्यूएशन वाइज देखो, मतलब टोटल आईटी स्पेस में वन ऑफ दी चीपेस्ट स्टॉक्स है ये। मतलब यहाँ पे 383 लेवल्स में अगर कोई इसको बेचने की सलाह दे तो वो मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है कि हाँ भाई टारगेट 375 या 370 वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर लॉन्गर, थोड़ा सा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इसको वेट कर सकते हो, तो ये वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक है आज के दिन आईटी स्पेस में। और जब भी थोड़ा बहुत भी अगर रिवाइवल होता है यूएस में और इंडिया में भी स्पेंडिंग तो बराबर चल रही है अभी, तो होता है तो ये स्टॉक आपको वापस 425 तो आराम से दिखा देगा। तो डेफिनेटली ये एक होल्ड रहेगा यहाँ पे। इन लेवल्स में बेचना मेरे हिसाब से तो मतलब गुड डिसीजन नहीं होगा। और आज देखिए मार्केट कैप इसका करीबन 2,15,000 या 2,10,000 करोड़ होगा इस कंपनी का। तो वैल्यूएशन वाइज, मार्केट कैप, बिजनेस वाइज सब कुछ अच्छा है। हाँ प्रॉब्लम्स है, इसके लिए रिजल्ट अच्छा नहीं था, हो सकता है अगले 2 क्वार्टर में ठीक हो जाए वो।